वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर हम माइक्रोवेव का स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो उसके अंदर हम रिजिड रोटेटर पढ़ चुके हैं। आज उससे रिलेटेड ही हम एक टॉपिक देखेंगे, हमारा नॉन रिजिड रोटेटर। देखो, रिजिड की जब हमने बात की थी तो हमने यही बोला था कि हमने दो एटम्स लिए थे जो कि एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे थे, उसके बीच के बॉन्ड को जो था ना वो हमने एज अ रिजिड कंसीडर करके चले थे। ठीक है, जब हमने इस तरीके से इसका डेरिवेशन निकाला था पूरा, अगर हमें याद हो, नहीं याद तो प्रीवियस लेक्चर देखें। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये बात की थी कि हमने इसको ए माना था, इसको बी माना था, इसको फिर हमने एम वन एम टू इस तरीके से कैलकुलेट करा था। ठीक है, फिर हमने ये बोला था कि जिसका भी मास ज़्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ होगा, तो हमने उससे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था और बहुत सारी चीज़ें निकाल के और उसका डेरिवेशन किया था। डेरिवेशन से जो लास्टली हमारे पास फॉर्मूला आया था वो आया था हमारे पास बी जे जे प्लस वन। ठीक है, इसमें हमने जब बात बोली थी तो हमने ये बोली थी कि जो स्पेसिंग, जो लाइंस हमने ऐसे ड्रॉ करी थी इससे निकाल के, जीरो टू बी सिक्स बी, तो हमने ये बात बोली थी कि इसके पीछे की जो स्पेसिंग होती है वो लगभग जो डिफरेंस आता है टू सक्सेसिव लाइंस के बीच में, वो टू बी का डिफरेंस आ रहा था। देखो, जीरो से टू बी, टू बी का डिफरेंस, टू बी से तो फोर बी, तो एक्चुअल डिफरेंस कितने का आ रहा है? टू बी का। तो दो सक्सेसिव लाइंस के बीच का जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा था वो कितना कर रहा था हमारा? टू बी सेंटीमीटर इनवर्स। अब जब 2b सेंटीमीटर इनवर्स जो था वो हमारा सक्सेसिव लाइंस के बीच में आ रहा था, लेकिन ये तब था जब हमने बॉन्ड को रिजिड माना। बॉन्ड एक्चुअल के अंदर रिजिड नहीं होता है। तो ये जो हमने रिजिड रोटेटर के लिए वैल्यू निकाली, इट इज़ जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन डेटा या हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान सकते हैं जहाँ पे हम बॉन्ड को रिजिड कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम बॉन्ड को रिजिड ना ही कंसीडर करें, क्योंकि देखो बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रेच करता है, इलास्टिक इन नेचर होता है। अब उसके अंदर अगर जैसे जैसे तुम रोटेशनल एनर्जी दे रहे हो तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट लगाएगा। जैसे ही वो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट लगाता है तो जो हमारी बॉन्ड लेंथ है ना वो क्या करती है, इंक्रीज करना शुरू करती है। तो अब एक बात बताओ, अगर इसकी बॉन्ड अभी मैं मानूँ एक्स है, जैसे ही तुमने इसको कुछ ना कुछ रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करी ना, तो ये क्या करेगा, एक्स डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स डैश जो होगा ना वो एक्स से ग्रेटर देन होगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है? देखो, इसको तुम रोटेट करो, है ना, कुछ ना कुछ जब तुम इसकी रोटेशनल एनर्जी यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा यहाँ से स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच करेगा तो साथ ही साथ क्या लगाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। अब कैसे, आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर। भाई मास तो कांस्टेंट है लेकिन रेडियस के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। जैसे ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो आई के अंदर चेंज आएगा और एम आर स्क्वायर से जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फिलॉसफी, इसी चीज़ के ऊपर हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे हम नॉन रिजिड रोटेटर के ऊपर। बस कुछ ही नहीं है, एक फॉर्मूला देखेंगे, उससे वही उसके एनर्जी लेवल्स निकालेंगे, केसेस निकालेंगे अलग अलग जे की वैल्यू को पुट करके, और उसके बाद में हम उसकी स्पेसिंग दिखाएंगे और हम ये बोलेंगे कि जो हमारी स्पेसिंग है ना वो इसके अंदर डिक्रीज करती जाती है। जो टू बी है ना वो टू बी नहीं रहती, वो कम हो जाती है हमारी। जैसे जैसे जे के लेवल्स बढ़ाते जाओगे स्पेसिंग कम होती जाएगी। क्यों होती है, वही रीज़न अब हमें देखना है। ठीक है, तो हम कुछ थ्योरी वाला पार्ट लिख देते हैं। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट इन प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम व्हेन अ डायएटमिक मॉलिक्यूल
is considered to be rigid then spacing between two successive lines is to be centimeter inverse. हमने यही बात बोली थी मैंने अभी कि जब हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर किसी भी अभी डायटमिक मॉलिक्यूल की बात करी थी रिजिड रोटेटर में तो जो स्पेसिंग आ रही थी मेरी वो आ रही थी 2b सेंटीमीटर इनवर्स. अब जब हमारी यहाँ पे वैल्यू जो है 2b सेंटीमीटर इनवर्स आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन बिकॉज द bond length is not constant. क्या बोला कि approximation है क्यों, क्योंकि bond length जो है वो इसकी constant नहीं है. अब constant क्यों नहीं है इसी का reason देखना है. देखो जो bond होता है ना वो elastic in nature होता है, हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं बेंड कर सकते हैं, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो इसी वजह से हम बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इलास्टिक इन नेचर. ठीक है, अब इलास्टिक इन नेचर की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे कि अगर बॉन्ड इलास्टिक है हमारा तो जब भी रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करोगे बॉन्ड लेंथ जो होगी वो हमारी चेंज होगी. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे एक्चुअल बॉन्ड इज नॉट रिजिड बॉन्ड. ठीक है, एक्चुअल बॉन्ड इज नॉट ए रिजिड. एंड द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, इतना स्क्रीनशॉट ले लूँ, एंड द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विथ रोटेशन. देयरफॉर इट इज इलास्टिक इन, कैसा हो जाएगा ये, इलास्टिक इन नेचर. ठीक है, अब हमने जब इलास्टिक इन नेचर बोला है तो हमने क्या बोला है कि इन अ रैपिडली रोटेटिंग मॉलिक्यूल, इन अ रैपिडली रोटेटिंग मॉलिक्यूल देयर इज ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉन्ड टू स्ट्रेच ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट. तो हमने यही बोला है कि जैसे जैसे जो है ना, देखो हमारा मॉलिक्यूल जो है, मैंने इसको ये माना ये मेरा रोटेशन कर रहा है, रोटेशनल एनर्जी इसको दी गई है. जैसे ही तुम इसको रोटेशनल एनर्जी दोगे ये जो बॉन्ड होता है ये फिक्स नहीं रहता. अब इसके अंदर क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है. क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन खींचेगा इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना हमारा, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको खींचने की कोशिश करता है. जैसे ही खींचेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा. अब स्ट्रेच हो जाएगा तो सपोज पहले जो इसकी बॉन्ड लेंथ थी वो आर थी, तो अब जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर डैश
डेफिनेटली चेंज होएगी ना, और ये जो आर डैश है वो ग्रेटर देन आर बी है, यही चीज़ हमारी होगी, है ना। अब मुझे ये बताओ कि अगर मेरा आर इंक्रीज हो गया, ठीक है, आर डैश इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारा, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। अब अगर तुम आई को आर इंक्रीज कर रहे हो तो आई भी इंक्रीज होगा, होगा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला कि मेरा आई इंक्रीज हो रहा है। अब अगर तुम्हें याद हो तो जब हमने ई जे यहाँ पे निकाला था तो हमने वैल्यू निकाली थी इसकी, एच स्क्वायर अपॉन में 8π² आई जे जे प्लस 1, यही वैल्यू निकाली थी हमने, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखो तो मैं आई को अगर यहाँ ले जाऊँ तो मुझे ये पता चला है कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, मेरे जे के। मतलब कि अगर मैं आई की वैल्यू को इंक्रीज करूँ तो मेरी जे जो रोटेशनल कॉन्स्टेंट है वो भी तो इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बात करो इसकी, तो यहाँ पे इसी टर्म को हमने बी से डिनोट किया था, ठीक है। जब इसी टर्म को हमने बी बताया था तो मुझे ये बताओ कि बी और ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आ गया आई के साथ, तो है ना, आई के साथ जो बी का रिलेशनशिप आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। तो अगर आई इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब बी डिक्रीज होगा, और बी क्या था हमारा, बी रोटेशनल कांस्टेंट था। तो हम यही बोलते हैं कि हमारी स्पेसिंग जो होती है, जैसे जैसे आई इंक्रीज होता है वैसे वैसे जे इंक्रीज होता है, तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे जो स्पेसिंग है वो भी क्या होती जाएगी हमारी, डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि बी डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट हमारा इसके अंदर लगता है, नॉन रिजिड रोटेटर के अंदर, ठीक है। बाय फॉर्मूला अभी हम चेक करेंगे कि क्या होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि हुआ क्या कि जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ तो जे जो हमारा रोटेशनल लेवल्स थे वो भी इंक्रीज होने लगेंगे। रोटेशनल लेवल इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये डिक्रीज होगी तो इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी, और जो हमारे लेवल्स आने चाहिए थे, जो स्पेसिंग होनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी जैसे जैसे तुम जे को इंक्रीज करोगे। तो फाइनली बस यही इतना सा हमारा कॉन्सेप्ट नॉन रिजिड के अंदर लगता है, ठीक है। अब आगे का पार्ट हम लिख देते हैं। हमने यहाँ पे लिखी दिया था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, हेंस दिस कॉज रोटेशनल लेवल टू बी समवॉट क्लोजर टू जे वैल्यू, ठीक है, टू बी समवॉट क्लोजर टू जे वैल्यू जो है वो हमारा यहाँ से इंक्रीज होने लग जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव लाइंस डिक्रीजेस स्टीडली विथ इंक्रीजिंग जे एंड द रीजन फॉर दिस डिक्रीज मे बी सीन इफ वी कैलकुलेट
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फ्रॉम द बी वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो कि हमें पहले हमें रिजिड रोटेटर का जो फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसीलिए हमने सिर्फ इतना समझाने के लिए बोला मैंने, साथ ही साथ यहाँ लिख देते हैं कि आई इंक्रीजेस तो जे इंक्रीजेस बट बी डिक्रीजेस। और आई का इंक्रीज होने का कारण क्यों है, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो रही है, हमारी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो आई इंक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीज हो रहा है तो जे इंक्रीज हो रहा है, और जे इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज कर रहा है। इसी वजह से जो स्पेसिंग है हमारी सक्सेसिव लाइन्स के बीच में वो भी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ए नॉन रिजिड रोटेटर। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लो पहले, है ना, यहाँ से ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ए नॉन रिजिड रोटेटर, तो जो इसका हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो फाइंड हुई है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, द रोटेशनल एनर्जी फॉर नॉन रिजिड रोटेटर इज गिवन बाय, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी जो हमारी है वो गिवन हुई है, क्या है, ई जे इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर 8π² आई, ठीक है, जे जे प्लस 1 माइनस ऑफ एच अपॉन में 32π4 I² r² के जे स्क्वायर जे प्लस 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू जो है वो हमें मिली है। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी की जो वैल्यू है ये हमें मिली है। अब देखो ये जो पूरी टर्म है ना, ये किसके लिए, तुम्हारे रिजिड के लिए, और वो जो है उसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें से जो है वो हमने सेंट्रीफ्यूगल जो कांस्टेंट है ना उसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो हमारा चेंज आया है वो हमने इतना चेंज देखा है, मतलब होना ये चाहिए था लेकिन सेंट्रीफ्यूगल के कारण चेंज हमारा इतना आ गया है, इसी चेंज को हमने नेगेटिव में दिखाया है, इसी वजह से हम ये बोलेंगे कि जो स्पेसिंग होती है, देखो जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी उसमें से कुछ ना कुछ कमी तो हो रही है, और जब कमी हो रही है तो इसका मतलब स्पेसिंग क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ जब बात करेंगे तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी किस में आती है, जूल के अंदर, किस में बात करेंगे हम, जूल में। अब अगर हमने रिजिड रोटेटर पढ़ा हो तो रिजिड रोटेटर में हमने यही बात बोली थी कि रिजिड रोटेटर में है ना वैल्यूज को सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू दिस जूल के अंदर, तो हम इसी वैल्यू को अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किससे डिनोट करते थे हम वहां पे, एप्साइलन से। ठीक है, ई जे डिवाइडेड बाय एच सी, किस में आ जाएगी ये वैल्यू हमारी, सेंटीमीटर इनवर्स में, कर दो डिवाइड एच सी से, अगर जब हम एच सी से डिवाइड करेंगे तो ये जो एप्साइलन जे की वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी मेरे पास, एच से एच देखो यहाँ पे कैंसिल होगा, एच से एच जैसे कैंसिल, तो 8π² आई सी जे जे प्लस 1 एज इट इज आ गया, माइनस ऑफ दैट देखो एच स्क्वायर था यहाँ पे, ये
ये एच की पावर 4 है यहाँ पे, ठीक है, एच की पावर 4 है, तो अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास एच क्यूब एच, ठीक है, एच क्यूब 32 पाई की पावर 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के सी, ये आ जाएगी हमारे पास फाइनल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर, किस में आ गई हमारी सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। अब इसी को हमें क्या करना है, ये जो कुछ वैल्यूज आई है ना हमारे पास, हमें पता है कि ये जो मेरी टर्म है, ये वाली टर्म, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और बी क्या था हमारा, रोटेशनल कांस्टेंट। और ये वाली जो टर्म है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, ठीक है। अब डी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट, ठीक है। अभी हमने कहा ना कि भाई हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन क्वांटिटी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट लग रहा था, उसके कारण कुछ ना कुछ हमारा डिस्टॉर्शन जो है वो क्रिएट हो रहा था, और उसी डिस्टॉर्शन की वजह से हम इस वैल्यू को जो है वो डी के टर्म्स के अंदर लेकर आए हैं, ठीक है। तो जो फाइनल फॉर्मूला अब हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, एप्सिलॉन जे इज इक्वल्स टू बी जे जे प्लस 1 माइनस ऑफ डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का स्क्वायर, ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला विच इज़ इन सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें एनर्जी लेवल्स निकालने हैं इसके, एनर्जी लेवल्स अब हमें पता है, डिफरेंट डिफरेंट केस रखेंगे और एनर्जी लेवल्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखो द स्पेक्ट्रल लाइन्स जो है वो जो गिवन, स्पेक्ट्रल लाइन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, केस वन लिखेंगे, जब जे की वैल्यू ज़ीरो हो जाए मेरी। अब देखो अगर जे की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो एप्सिलॉन जे कितना आएगा, बी ज़ीरो ज़ीरो प्लस 1 माइनस डी, जे ज़ीरो ही है स्क्वायर कर लो, ज़ीरो प्लस 1 का स्क्वायर, यही आएगा। देखो पूरी की पूरी टर्म क्या हो रही है मेरी, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो से पूरा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ई जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब जे की वैल्यू ज़ीरो होगी तो एप्सिलॉन जे भी कितना आएगा मेरा, जे की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, तो जो लोअर एनर्जी लेवल मिलेगा वो कितने पे मिलेगा, ज़ीरो सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर। बात करें केस सेकंड की, केस सेकंड में जे की वैल्यू रखते हैं 1, रख दो, देखो कैलकुलेट कर लो, बी 1 जे प्लस 1, ठीक है, माइनस डी 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करें इसको, एप्सिलॉन जे कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस 1 2 2 बी माइनस डेट ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 का स्क्वायर 4 4 डी सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये आ गया हमारा नेक्स्ट वाला ई जे, जब हम 2 रखेंगे। अब अगर बात करो ना, तो अभी मैंने कहा था ना कि रिजिड रोटेटर के लिए जो देखो फॉर्मूला आया था ना, रिजिड रोटेटर के लिए क्या बोला था हमने, बी जे 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 प्लस 1, तो जब केवल जे की वैल्यू तुम 1 रखोगे तो कितनी आएगी, 2 बी। अब 2 बी जब वैल्यू आ रही थी तो यहाँ पे देखो 2 बी माइनस 4 डी आ रहा है, इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं इस वैल्यू में से कुछ ना कुछ डिक्रीज़ हो रहा है, और जब डिक्रीज़ होगा तो इसका मतलब जब तुम स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ करोगे तो रिजिड से क्या करोगे, थोड़ी लोअर लेवल के अंदर ड्रॉ करोगे। देखो ज़ीरो तो दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इसमें से लेस हो रहा है, कुछ लेस हो रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीज़ दी क्वांटिटी करेगा, डिक्रीज़ करेगा तो जो हमारी रिलेटिव सक्सेसिव लाइंस है वो भी क्या होती जाएंगी, डिक्रीज़ होती जाएंगी, और इसी को हमने नॉन रिजिड बोला है। रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीज़न है डी, जो कि क्या है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन
मेजर जो है ना, इसी की वजह से सब रीज़न हमारा हुआ है कि जब रोटेशनल एनर्जी तुम देते हो तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आई इंक्रीज करेगा, आई इंक्रीज करता है तो जे इंक्रीज करता है, और जे जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो बी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, बी डिक्रीज करेगा तो ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना, ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो हमारी जो सक्सेसिव लाइन्स के अंदर जो डिक्रीमेंट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अभी हम 2B की बात कर रहे थे, यहाँ जाते जाते और कम वैल्यूज़ हो जाएंगी। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यही कुछ हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब बात करें केस थर्ड की, J इज इक्वल्स टू टू, वन रख दिया था, रखो B टू टू प्लस वन माइनस D टू का स्क्वायर टू प्लस वन का स्क्वायर, वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स भी आ गई, वहाँ पे भी हम सिक्स भी निकाल देते। अब सिक्स B में से भी कुछ ना कुछ लेस होगा, देखो कितना हो जाएगा, टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री, थ्री का स्क्वायर कितना नाइन, नाइन इंटू फोर कितना हो गया 36। अगर याद ना हो चीज़ें तो जो तुम इसका निकाल रहे हो उसका स्क्वायरिंग यहाँ पे कर दोगे तो सीधे सीधे, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो रही है, स्क्वायर में जा रही है, स्क्वायर जा रही है, इसका मतलब इस टोटल का स्क्वायर, इस टोटल का स्क्वायर हो जाएगा तो सिक्स का स्क्वायर कितना होता है हमारा 36, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से बात करो केस फोर, जे इज इक्वल्स टू हमारा थ्री, एप्साइलन जे इज इक्वल्स टू बी थ्री, थ्री प्लस वन माइनस डी थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा फोर थ्री ट्वेल्व बी माइनस दैट ऑफ, देखो फोर का स्क्वायर कितना, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू नाइन कितना करोगे 144, और 12 का स्क्वायर तुम्हें पता है 144 होता है डी सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से हम हर लेवल्स के ऊपर हमारे जे की टर्म्स के अंदर ये चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे कितने भी केस तुमसे बोले जाएं वहाँ पे हम हर केस का जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट जो हमें बात करनी है, देखो हमने अभी भी मैंने यही बोलूँगी कि जो मेरा रोटेशनल कांस्टेंट की रिजिड के लिए वैल्यू आ रही थी उसमें से क्या हो रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिक्रीमेंट आ रहा है, और जब मेरा डिक्रीमेंट आ रहा है तो इसका मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीमेंट कैसे दिखाओगे कि जब इसके स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ करोगे तो इसका रिजिड का भी ड्रॉ करोगे और साथ ही साथ नॉन रिजिड का भी ड्रॉ होगा। जब दोनों ड्रॉ करोगे तो उस बिहाफ पे हमें ये चीज़ें चेक करोगे। ठीक है, अब देखो ड्रॉ करते हैं, देखो ज़ीरो तो ज़ीरो के ऊपर ही रहेगा, ये मैं रिजिड के लिए ड्रॉ कर रहा है, अब जो है ना मैं नॉन रिजिड के लिए ड्रॉ करूँगी। अब देखो तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा ना, मैंने जो डिफरेंस यहाँ पे बनाया है वो देखो, ये मेरा सेम पे आएगा। क्यों, क्योंकि देखो जब तुम j इज इक्वल टू जीरो की बात करोगे तो एप्साइलन j की वैल्यू भी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, तो ये j इज इक्वल्स टू ज़ीरो, j इज इक्वल्स टू वन, j इज इक्वल्स टू टू, j इज इक्वल्स टू थ्री,
और ऊपर भरते जाओगे तो जे फोर तक भी आ जाएगा हमारा, ये लो एक मिनट, ये थोड़ा सा मेरा और ऊपर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जे इज इक्वल टू फोर। ये जो बना रही हूँ ये किसके लिए है, रिजिड रोटेटर, और ये जो वैल्यू है वो किसके लिए है, नॉन रिजिड रोटेटर। ठीक है, तो जब ऐसे हम, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइंस दिखानी है। अब ये क्यों हुआ, देखो जे जीरो के ऊपर जो एप्साइलन जे की वैल्यू थी रिजिड के लिए वो जीरो ही आ रही थी मेरी। ठीक है, जब बात करोगे इसके लिए तो इसके लिए टू बी आती है, सिक्स बी, 12 बी, और ये जाती है 20 बी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना जे इज इक्वल टू फोर के लिए भी। यहाँ पे जब देखोगे तो ई जे की तो वैल्यू थी वो जीरो ही आएगी, लेकिन ई जे यहाँ पे 2 बी माइनस का 4 बी, 4 डी आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई थी, 6 बी माइनस का 36 डी। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आई थी, 12 बी माइनस का 144 डी, और यहाँ जो आएगी वो आ जाएगी 20 बी माइनस का 400। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे वैल्यूज़ का वेरिएशन होता है। जब भी तो हमने कहा ना कि लोअर रीजन के अंदर जा रहा है, तो देखो यहाँ की ये चीज़ भी तो डिक्रीज़ कर रही है मेरी, बिटवीन जो सक्सेसिव लाइन्स के बीच की जो डिफरेंस है वो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। इसी वजह से हम हमारे मॉलिक्यूल को नॉन रिजिड कंसिडर करके चलते, एटमिक मॉलिक्यूल को ना कि रिजिड कंसिडर करके चलते हैं। रीज़न हमने समझ लिया है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों, क्योंकि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आर इंक्रीज कर रहा है। बार का रीज़न क्या है, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, कि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जब उसके अंदर की तरफ लग रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। खींच रहा है तो बॉन्ड लेंथ को स्ट्रेच कर रहा है, बॉन्ड लेंथ स्ट्रेच हो रही है तो आई इंक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीज हो रहा है तो आर इंक्रीज हो रहा है, आर इंक्रीज हो रहा है तो जे इंक्रीज हो रहा है, जे इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल जो वैल्यू है हमारी एप्सिलॉन जे और जो इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस की वैल्यू है वो भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं हमारा नॉन रिजिड रोटेटर, पूरा का पूरा एज इट इज़ हम ऐसे लिख के आ सकते हैं। ठीक है, रही बात, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले इसका ले लो, चलो अब इसके बाद ये आ गया तुम्हारा। यहाँ पे तुम कितने भी केसेस लिख सकते हो, ऐसा नहीं है मैम ने फोर लिखे हैं जे इक्वल टू थ्री तक, अगर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ाना पड़े तो हम जे की वैल्यूज और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो ही गया था ये। ठीक है, तो ये था हमारा नॉन रिजिड रोटेटर, बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और अब जो टॉपिक लेकर आएंगे हम आइसोट्रोपिक सब्स्टिट्यूशन का लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर आइसोटोपली आते हो तो इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे रिजिड और नॉन रिजिड के ऊपर। थैंक यू।